हाँ ठीक ऑस्ट्रेलिया और उसके कुछ द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ओसनिया कहा जाता है, ओसेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, प्रशांत महासागर के छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित थे। ओसेनिया द्वीप समूह में ये चार उसके हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानीसिया, पोलिनीसिया, माइक्रोनीसिया। ठीक है, मेलानीसिया में प्रशांत महासागर के पश्चिम में अवस्थित है और उसमें फिलीपींस और इंडोनेशिया के द्वीप भी आते हैं। माइक्रोनेशिया, इसमें जो द्वीप है, गिलबर्ट द्वीप है, कैरोलिन द्वीप है, मार्शल द्वीप है। ठीक है, पोलिनेशिया, यह इसमें कुक है, हवाई है, टुवालु है, टोंगो है, किरीबाती है, समाओ, ये सारे द्वीप समूह आते हैं इसी में। ऑस्ट्रेलिया का एक सामान्य परिचय देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह महाद्वीप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के बीच में, बिल्कुल विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैपिटल कुक ने इसकी खोज की थी। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह विश्व का एक ऐसा महादेश है जो पूरे महाद्वीप पे फैला है, इसलिए इसको द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और यहाँ की जो सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व की, वो यहीं पर अवस्थित है, प्रवाल भित्तियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 7 राज्य हैं, ठीक है, नहीं उनको देखते, वे 7 राज्य हैं, उनकी राजधानी ये है। ठीक है, एक एक को देखते हैं। जैसे क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडबिन है, सिडनी है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, तस्मानिया की होबर्ट है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नोरू। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को है। इसका जो सबसे निम्नतम भाग है, स्थलीय भाग, आयरे झील है। सबसे बड़ी नदी इसकी मरे डार्लिंग बेसिन है। सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके जो खोजकर्ता थे कैप्टन कुक थे। सबसे गर्म स्थान इसका कोलोन कंट्री है। सबसे जो लंबा रेलवे मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। देखो, ये तस्मान है, यहां पर पर्थ है और यहां पर सिडनी, इसको जो जोड़ने वाला रेल मार्ग है वो ये वाला, ऐसे ये जाता है। ठीक है, नहीं सबसे बड़ा बंदरगाह सिडनी है। ये देखो, ये इधर प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर के जो तट पर अवस्थित वो है, वो क्या है, इसका क्या नाम है, पर्थ है। जो प्रशांत महासागर के तट पर है वो सिडनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग, ऑस्ट्रेलिया का अगर हम भौतिक विभाजन करें, हाँ बिल्कुल, पीसीएस का पेपर भी होगा, यानी कि आप लोगों की चुनौती और बढ़ गई भाई। ठीक है, नहीं तो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें, कोई लापरवाही ना करें। और जो ये हम क्लासें करा रहे हैं 30 घंटे की, हमें काफी उम्मीद है इन क्लासों से आपको काफी लाभ होगा। ठीक है, नहीं आप इससे बने रहे हैं। आज की क्लास इसलिए सबसे बड़ी रही क्योंकि ये मैपिंग की थी, 7 महाद्वीप इससे करने थे पूरे, तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। बाकी हम जो भी क्लास हमारी होगी, जैसे कल ज्योग्राफी की है, फिर पर्यावरण की, फिर इकोनॉमी की, 2.5-3 घंटे में खत्म करेंगे, जिसमें फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आपको डिलीवर कराए जाएंगे बहुत फास्ट गति से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम भौतिक विभाजन करें तो इसमें एक हिस्सा इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। दूसरा हिस्सा इसकी निम्न भूमि है, और तीसरा इसका पश्चिमी पठारी क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी पठारी क्षेत्र जहां पर क्या मिलते हैं हमें, ये हिस्सा, ये देखो, ये तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगी, ये निम्न भूमि होगी, और ये पठारी क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेके, यानी कि क्वींसलैंड में है केप यॉर्क प्रायद्वीप, और तस्मानिया तक विस्तृत है। और ये एक भ्रंश पर्वत है, जल विभाजक का कार्य भी करता है। पश्चिम का जो पठारी क्षेत्र है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, किप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहीं पर है। निम्न मध्य जो स्थल है वो, उसके उत्तर में कार्पेंटिया की खाड़ी है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलियन बाइट्स तक विस्तृत है। यहाँ पर निम्न भूमि बेसिन झील, आयरे झील यहीं पर है, जिसको ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट आर्टेजियन बेसिन भी कहा जाता है, और इसी में, इसी मध्य निम्न भूमि में मरे डार्लिंग बेसिन भी है।